तो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, आप देख रहे हैं योर ब्लॉग्स, मैं हूं तुषार। और अभी बज रहे हैं 4 सुबह के, नहीं शाम के 4 बज रहे हैं। मेरे को पता है लेट हो गया है, मेरा आज ब्लॉग करने का मन नहीं था, लेकिन तभी मैंने सोचा यार करेंगे, और अभी कर रहे हैं जैसा कि तुम लोग देख रहे हो। और सुबह से अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, तो मैं खाना लेके आया हूँ, चावल दाल रायता चोखा, एकदम कंप्लीट नाश्ता कैसे कहते हैं इसे। कुछ खा लेता हूँ यार, सुबह से कुछ खाया नहीं है, उसके बाद मिलता हूँ तुम लोग से। खाना वगैरह खा लिया, अभी शाम हो गई है, तो सोचा थोड़ी देर मौसम एंजॉय करने छत पे चलते हैं। आज मेरा भी यार ब्लॉग करने का इस वजह से मन नहीं था क्योंकि मेरा मूड ऑफ था, क्योंकि कल मेरी मम्मी के साथ लड़ाई हुई थी ना, जो अभी तक कंटिन्यू हो रखी है। तो उस वजह से यार मम्मी के साथ हो जाती है यार तू मैं, लेकिन फिर मम्मी जब बात नहीं करती है तो अच्छा ही लगता है। लेकिन अभी मेरे पास ईशान भैया का कॉल आया था, बोला है कि वो मेरे लिए एक चीज़ ला रहे हैं, तो उस चीज़ की मेरे को ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि वो क्या लेके आ रहे हैं, तो मैं जाके देखना चाहता हूँ और वो तुम लोग को भी बताऊँगा कि क्या है। तो अभी ईशान भैया और मैं आए हैं यहाँ पे, घर के पास है ये, और ये वाला जो रोड है ये बंद किया हुआ है, तो हम लोग साइकिल लेके आराम से आ सकते हैं, और हम लोग बस व्यू थोड़ा देखने आ गए। घर के मेरे पास है मतलब, और ये जो मेरे लिए एक चीज लेके आए हैं वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा अभी। ईशान भैया ने मेरे को मैजिक माउस दिया है, मतलब मेरे को एडिटिंग में इसमें काम आएगा, क्योंकि मैक टू मैक बहुत सारी चीजें मदद कर जाती है। और यहाँ का जो व्यू है यार मस्त है, मजा आ रहा है, लेकिन ज्यादा देर रुकेंगे नहीं, यहाँ से निकलेंगे क्योंकि अंधेरा होने वाला है, लॉकडाउन है, बस यहाँ पे आ गए मतलब, और जल्दी से बस निकल ही रहे थे, तो मैं सोचा तुम्हें दिखा देता हूँ। तो यार ये साइकिल देख रहे होगे अभी चेंज हो गई है, क्योंकि ईशान भैया साइकिल चला रहे थे और अचानक से टायर पंचर हो गया, तो हमें समझ नहीं आया, तो मेरे घर के पास से मैंने बोला कि आप मेरी साइकिल ले जाओ और ये वाली साइकिल छोड़ दो, कल आके ले जाना साइकिल। थोड़ा अंधेरा है, गलत जगह टायर पंचर हो गया, लेकिन उनको ज्यादा भेजना जरूरी था, कहाँ ऐसे साइकिल धकेलते हुए जाते, मेरे लिए थोड़ा सा दूर है, लेकिन कोई बात नहीं हो जाएगा इस साइकिल की। लेकिन मेरे को एक अच्छी बात लगी, इसके साथ जो एसेसरीज दी है उसकी लाइट फ्लो बहुत अच्छा है, सब कुछ क्लियरली दिख रहा है। यहाँ पे लाइट मारूंगा यहाँ पे, मतलब अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। और एक ये जो लाइट दी है यहाँ पे, मेरे को ईशान भैया की साइकिल का मैं रिव्यू दे रहा हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर इतना अंधेरा हो रखा है, पर ये हल्की सी लाइट है जो भाई थोड़ी सी ताकत दे रही है। आगे पीछे कोई नहीं है, मुझे वो बगल वाली रोड लेनी चाहिए थी, मैं गलत घुस गया, इसमें पहले लाइट थी और अब तो लाइट ही नहीं है भाई। देखता हूँ वहाँ से चेंज करने का, थोड़ा लाइट दिख रहा है। पहले जब मैं बाइक चलाता था तो 2 मिनट से यहाँ पे पहुँच गया, फिर साइकिल चलाने लगा तो 5 मिनट में पहुँच गया, अब इसको पैदल चल रहा हूँ तो लग रहा है यार 10-15 मिनट लगना चाहिए था, ये आधा घंटा क्यों लग रहा है। अब बस थोड़े से दूर है, पहुँचने ही वाला हूँ, लेकिन एक बात बता दूँ, ये जो लेफ्ट साइड में जो दीवार है ना, इसके उस साइड में शमशान घाट है। फाइनली घर पहुंच गए, थक गया हूं मैं, यहीं पे वीडियो एंड करता हूं, माफ करो मेरे को, मोनेटाइज करो।